चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों हर टास्क में खरे उतरे हैं। दोनों ने चांद की कुछ खूबसूरत और ऐतिहासिक तस्वीरें भेजी हैं, ताजी। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों पर खास कैमरे लगे हैं। इनकी मदद से चांद की एकदम क्लियर फोटोज इसरो वैज्ञानिकों तक पहुंच रही हैं। ये तस्वीरें चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने में मददगार साबित हो रही हैं। विक्रम पर लगा लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा यानी कि LHVC ने चांद की सतह पर उतरने की पहली फोटो खींची। फिर प्रज्ञान रोवर पर लगे नेविगेशन कैमरा ने अपने रास्ते का फोटो उतारा। बुधवार को प्रज्ञान ने चांद की सतह पर मजबूती से खड़े विक्रम का फोटो लिया। इसरो ने यह फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। प्रज्ञान अपनी इन्हीं आंखों के सहारे चांद पर चहलकदमी कर रहा है। आइए आपको बताते हैं कि प्रज्ञान रोवर पर लगे कैमरे कैसे काम करते हैं। प्रज्ञान रोवर में सामने की ओर दो नेविगेशन कैमरे लगे हैं। एक कैमरा लेफ्ट साइड लगा है और दूसरा राइट साइड। यही दोनों प्रज्ञान की आंखें हैं। ये दो कैमरे जो भी चीज देखते हैं उसकी मदद से प्रज्ञान को रास्ता बताते हैं। ये देखा जाता है कि प्रज्ञान के रास्ते में कोई पत्थर, चट्टान या क्रेटर ना जाए। प्रज्ञान रोवर के कैमरे जो भी फोटो लेते हैं विक्रम लैंडर को भेजे जाते हैं। फिर वहां से बेंगलुरु स्थित इसरो कंट्रोल रूम में तस्वीर पहुंचती है। डेटा से डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाते हैं। फिर ग्राउंड और मैकेनिज्म टीम तय करती है कि किस रास्ते जाना है और उसकी कमांड देते हैं। रोवर का नेविगेशन कैमरा जो फोटो भेजता है उनसे अधिकतम 5 मीटर तक का रास्ता बनाया जा सकता है। एक बार में रोवर ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर चल सकता है। इतना ही नहीं, रोवर ने चांद पर ऑक्सीजन को खोजा है। इसके अलावा प्रज्ञान ने चांद पर सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया है। इसरो ने कहा कि उम्मीद के मुताबिक एल्युमिनियम, कैल्शियम और ऑक्सीजन का भी पता चला है। हाइड्रोजन की खोज जारी है। इसरो ने यह भी बताया कि रोवर पर लगे लेजर संचालित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि LIBS उपकरण के जरिए ये संभव हो पाया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।